जगाने के लिए कुछ आंदोलन करेंगे, कुछ सड़कों में चक्का जाम करेंगे, कुछ और भी करेंगे। अब क्या ये जो हमारा प्रवृत्ति नहीं थी उस काम के लिए बाध्य करें सरकारों, हम क्या करें? हमें तो आगे जो हमारे बच्चे हैं उनको कितनी दिक्कत हो रही है, स्कूल नहीं पढ़ पा रहे, किसी का प्रसव ढंग से नहीं हो पा रहा है, किसी का सारी समस्याएँ वैसी पड़ी हुई है। जो खेती किसानी काम थे हमारे उसमें भी बाधा आ रही है हमारे, हम पशुपालन नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं, हम सारे काम हमारे ऐसे खड़े हैं। तो हम तो सरकार से यही कहेंगे भाई तुम देखो इस तरफ और हमारी समस्याओं को देखो। और 2014 में जब हमारे ये मोदी सरकार आई तो उन्होंने साफ दिखाया कि प्रत्येक गांव को जो है सड़क से जोड़ो, सड़क के जोड़े 14 से लेकर के आज इतने साल हो गए और उन्होंने कहाँ पर हमें सड़क से जोड़ा, कुछ भी नहीं। सब वैसे वादे करते हैं और अपने वोट लेते हैं और कुछ नहीं करते। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे ये है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, 8 बजे का स्कूल है और 10 बजे बच्चे स्कूल पहुँचते हैं। वहाँ तो टीचर लोग वो करते परेशान करते, यहाँ हमारी ट्रॉली से बहुत बड़ी परेशानी है, हमारी न सरकार सुनती न कोई सुनते हैं। हम वहाँ भी गए थे DM के यहाँ, जब बुलाए प्रधान जी ने कि DM के यहाँ आ जाओ, हम वहाँ भी गए थे, पूरे गाँव वाले गए थे, ले जाते फिर कैंसिल हो जाता, पता नहीं क्यों कैंसिल हो जाता, हमारे गाँव क्यों हो जाता है। हर जगह पुल लगा हुआ है, हमारे गांव में पुल नहीं है, ट्रॉली की बहुत दिक्कत है हमारे लिए। क्या ट्रॉली से डर लगता है? बच्चे यहां से परसों यहां नीचे गिर गए, ट्रॉली से हमें डर लगती है। छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग लोग यहां से आते जाते हैं तो खींचने कोई आगे आगे नहीं आया, तो लोग ऐसे दिन भर रहते हैं वहाँ पर। क्या निर्णय लिया आप लोगों ने, आपके जो पुल बना रही है क्या टेम्प्रोरी पुल तो बने हमारे हार फिर के लिए, वोट के लिए तो यहाँ सभी आते हैं और जब वोट हो जाती तब हमारे गांव को कुछ सुनता भी नहीं है, अनसुनी कर देते हैं।